और माह रजब में कई ऐसे अय्याम हैं कि जो अपनी फजीलत के कायल हैं। वैसे भी कोई भी दिन, कोई भी तारीख हमारी अपनी ज़िंदगी से जब मंसूब होती है तो यकीनन वो अपने किसी भी वाक्य और अहमियत की वजह से हम उसे याद रखते हैं। इंसान मादी है, इंसान महदूद है, खुद दुनिया बहुत महदूद है, लेकिन इस महदूद और इस लिमिटेड चीज़ के अंदर परवरदिगार ने कुछ अय्याम ऐसे रखे हैं कि जिसमें अगर हम कुछ काम करें तो हम उस लामहदूद ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जिसमें माह रजब एक ऐसा अय्याम है, खुदावंद मुताल के नज़दीक ज़माना को इतना मुहिम ज़ाहिरन नहीं है कि खुदावंद मुताल गए ये हमारे लिए 24 घंटे, हफ्ता, फिर महीना, फिर साल, लेकिन इन्हीं अय्याम के अंदर कि जो मादी दुनिया है जिसमें सूरज घूम रहा है और हमारे लिए एक ज़माना तायुन कर रहा है, इसी मादी इसी महदूद के अंदर परवरदिगार जब किसी अय्याम को अपने आप से मंसूब कर देता है तो उसके अंदर बरकत डाल देता है। इसीलिए माह रजब को परवरदिगार ने अपना महीना करार दिया। अब अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो यकीनन हम बाकी चीज़ों की तरह अगर हम दुनिया से गुजर गए तो रोज़े कयामत हसरत खाएंगे कि ये अय्याम गुजर गए और हमने अपनी ज़िंदगी में इनको अहमियत नहीं दी। माह रजब भी बिल्कुल ऐसी है। यकीनन आपने इससे पहले गुफ्तगू सुनी होगी, अय्याम में ज़ाहिर और भी आपके प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल तौफीक हुई है, कुछ दिन रह गए हैं तो शायद हो सकता है कि हम कुछ दिन बेहतर गुजार सकें। माह रजब उर्फा के नज़दीक बहार का महीना है। बहार किसको कहते हैं? शकूफा होना, दोबारा ज़िंदा होना, तजदीद हयात होना, जो चीज़ मुरझा गई थी वो दोबारा खिलती है, उसके अंदर ज़िंदगी आती है। उर्फा इसको बहार का महीना कहते हैं। क्यों? क्योंकि रूह के खिलने का महीना रजब है। जो लोग रजब में मेहनत करते हैं वो शाबान में उस पर और मेहनत करते हैं, नतीजा माह मुबारक में उनको मिलता है। आम जिंदगी में क्या होता है कि हम रजब और शाबान हमारे लिए बस कुछ अय्याम है, हम उसमें प्रोग्राम कर कर गुजर जाते हैं, फिर माह रमज़ान आता है, हम सरों पे टोपियां पहन लेते हैं, मस्जिदों का रुख कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही महीना ख़त्म हो रहा होता है हमें अपनी ज़ात में, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आपको नहीं कह रहा, मेरी अपनी ज़ात में मतलब तब्दीली नहीं आई मुझे, मैंने रोज़ा रखा, मैंने सब किया, मगर वो जो दुआ मेरा चौथा इमाम कह रहा है कि परवरदिगार काश के ये महीना ख़त्म ना हो, लेकिन ये दुआ मेरे अंदर से नहीं निकल रही आज तक। मैं 40 साल के नज़दीक हो रहा हूँ, ये दुआ मेरे अंदर से नहीं निकली आज तक कि परवरदिगार काश के ये महीना ख़त्म ना होता। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी तैयारी नहीं की। मैं क्या हूँ? मैं कहता हूँ कब ख़त्म होगा, कब चांद निकलेगा, कितना मेरे में और सीरे आइम्मा में तजाद पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इन अय्याम को दर्क नहीं किया। मैं अगर इन अय्याम को दर्क करता तो फिर माह रमज़ान में फल लेकर खुदावंद मुताल की बारगाह में मौजूद होता। अब इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा मुहिम क्या है? अस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह वसालु तौबा, यानी तौबा करो। क्या मैं वाकई कर पा रहा हूँ? यकीनन ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। अब आप बोले मौलाना साहब टाइम नहीं मिलता ज़िंदगी, आपको क्या पता, मौलाना साहब का तो कोई काम नहीं होता, किताबें पढ़ते हैं या मजे से पढ़ते हैं, लोग सारे मसरूफ़ हैं, लोगों के पास सारे मसरूफ़ हैं, तो आपको क्या पता, जॉब है, ये है, वो है। खूब देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मगर क्या खुदावंद मुताल ने जब हमें खल्क किया था क्या वो नहीं जानता था कि इंसान आगे वाला इतना मसरूफ़ हो जाएगा? तो ये इतने सारे जो उसने हमारे लिए अमाल भिजवाए अपने अम्बिया के ज़रिए से, तो क्यों भिजवाए? या तो हमें नहीं जानता था, या तो आप बोले कि नहीं, परवरदिगार को नहीं पता था कि 21वीं सेंचुरी में इस फास्ट सीजन में रहने वाली जगह में हमारी ज़िंदगी बहुत मशगूल होगी। ऐसा नहीं है अजीज़ान मोहतरम, ये सब हम अपने आप को बहाने दे रहे हैं। हम चाहें तो अपनी रफ्तार को औलिया की रफ्तार के करीब कर सकते हैं।